हमारे यहाँ पर आए हुए सभी हमारे विशिष्ट मेहमान, मेरे भाई और मित्र विजेंद्र जी, अमोदकांत जी, कन्हैया कुमार जी, अद्वैता जी और कनिका जी और स्वाति मालीवाल जी, मेरी बड़ी बहन मधुकेश्वर जी और संजय जी, और यहाँ पर सभी आए हुए सभी मेरे मित्रों, मेरे साथियों, भाइयों, बहनों, साथियों और सभी यहाँ पर उपस्थित अस्मिता थिएटर ग्रुप के सभी साथियों, जिनके लिए एक बार हम जोरदार दोबारा से एक बार तालियां बजाएं, जिनके लिए उन्होंने जिस खूबी से उन्होंने अपनी बात रखी जो कि हम सभी के दिल को छू गई, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने जो है बात रखी। और आज आज का हमारा जो मकसद है कि स्वच्छ सोच, जब तक हमारी, और हमारे यहाँ पर सलमान चिश्ती भाई भी आए हुए हैं अजमेर शरीफ से, मैं उनका भी यहाँ पे बहुत बहुत मैं उनका स्वागत करता हूँ। एक बार इनके लिए भी हम जोरदार ताली बजा दें। तो हमारी जिस तरह से सबने, वक्ताओं ने सबने कहा पहले कि हमारी जब तक सोच स्वच्छ नहीं होगी, हम स्वच्छ भारत बनाएं, अपने घर को स्वच्छ करें, इसकी शुरुआत जो है एक अपनी सोच से होती है। तो अगर हमारी सोच स्वच्छ होगी तो जरूर हम स्वच्छ भारत भी बना सकते हैं, अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसमें हर व्यक्ति सुरक्षित हो, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे सुरक्षित हों। तो इसकी जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की बनती है। हम सब अगर अपना अपना कर्तव्य का हम पालन करें, और मेरा हमेशा यही कहना रहता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा, हम सबकी पहचान हमारा तिरंगा झंडा है, और हम हर रोज अपने तिरंगे झंडे से अगर प्रेरणा लेकर, अगर हर व्यक्ति स्वच्छ सोच रखता हुआ अपना खुद का काम ईमानदारी से करे, अपना खुद का कर्तव्य का वो निर्वहन करे, तो हम सब मिल करके हम अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का हमेशा एक ये उसने अपना एक उत्तरदायी माना है, उत्तरदायी कि कुछ ना कुछ देश के लिए अच्छा किया जाए। झंडे की जो संघर्ष था उसमें 10 वर्ष लगे, लेकिन आज हम हर जगह आप देखते हैं कि किस तरह से गर्व से हम सब झंडे को फहराते हैं। तो ये जो ये मुहिम है, तो इसी तरह से फ्लैग फाउंडेशन चाहता है कि हर वक्त कोई ना कोई कोई नया मुद्दा उठाया जाए जिससे देश और मजबूत हो। तो आज जो हम समाज में देखते हैं कि जिस तरह के अत्याचार हमारी बेटियों पर, बहनों पर होते हैं, ये सब बंद होने चाहिए। किस तरह से जो है हम अपनी सोच को अच्छा करें, किस तरह से हमें हमेशा यही हमारे संस्कार दिए गए हैं कि दूसरे व्यक्ति के अंदर हम, हर व्यक्ति ईश्वर का रूप होता है, तो किस तरह से जो है हम दूसरे को सम्मान की दृष्टि से हम देखें। हर व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति का अगर सम्मान करेगा, अगर सकारात्मक सोच होगी, स्वच्छ सोच होगी, तो मैं समझता हूँ कि हम सब एक मजबूत देश बन सकते हैं। वही है, हमारे पास लॉज हैं, सब कुछ है, लेकिन मसला इम्प्लीमेंटेशन पे फंस जाता है। अगर बिल्कुल, हमारे कानून का लोगों को डर क्यों नहीं होता है? देखिए, कानून है कंट्री में, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, लेकिन ये मुद्दा बहुत अहम है आज का। कानून होने के बावजूद अगर पॉक्सो एक्ट है हमारा, और अगर आप साइबर क्राइम को देखेंगे, आईटी एक्ट है हमारा, तो भी ये क्राइम क्यों हो रहा है? रीजन ये है कि जो कानून भी है उसमें 3 साल तक की सजा है। अब 3 साल तक की सजा होती है बेलेबल, मोस्टली आप देखेंगे नॉन बेलेबल क्राइम्स में कहते हैं डेटरेंस होता है, क्रिमिनल जो है डरता है कि वो क्राइम ना करे। बेलेबल होने का वो एक कानून को इतनी सीरियसली नहीं लिया जाता। तो मेरे हिसाब से जो कानून है हमें और स्ट्रिक्ट करना होगा, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी ही स्ट्रांग करनी होगी। पॉक्सो है पर कितने स्पेशल कोर्ट है, कैसे होगा अगर हम कैसे होगा इम्प्लीमेंटेशन, कैसे होगा कानून? हम कानून तो बहुत सारी चीजों को लेकर है, देखिए मर्डर को लेकर है, दहेज प्रथा को लेकर है, हर चीज को लेकर कानून है, लेकिन मसला तो इम्प्लीमेंटेशन का ही है। सब बच्चे हैं, 7 बच्चे 10 में से उनके पास आज मोबाइल है, इंटरनेट है, और कितने क्राइम्स हैं? आप साइबर बुलिंग को देख लीजिए, स्टॉकिंग देख लीजिए, साइबर पोर्नोग्राफी देख लीजिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख लीजिए। क्राइम की कोई सीमा नहीं है इस टाइम। आइडेंटिटी थेफ्ट से लेके आजकल ब्लू व्हेल, आपने ब्लू व्हेल रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा है जो कंट्री में हो रहा है, तो उस चीज को अगर हम देखें, और रैंसमवेयर, बच्चे भी रैंसमवेयर के शिकार हो रहे हैं, बच्चे भी क्रेडिट कार्ड के शिकार हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करे? अब क्रिमिनल सोचता है कि वो इंटरनेट पे है, उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, आईपी एड्रेस भी स्पूफ हो जाता है,
कोई आसानी से सॉफ्टवेयर के जरिए अपना रियल आइडेंटिटी छुपा लेता है, फोटो किसी और की यूज कर रहा है, मॉर्फिंग कर रहा है और बच्चों की अश्लील पिक्चर्स बनाई जा रही हैं। एक पूरा इंडस्ट्री चल रहा है, उसके साथ जुड़ी हुई सिर्फ फोन की बात नहीं है। आज का मुद्दा सिर्फ फोन का नहीं है, फोन से जुड़े हुए सभी क्राइम्स उसमें आ जाते हैं। क्या क्या है? मॉर्फिंग ऑफ पिक्चर्स हो गए, सेक्सटॉर्शन है और मतलब उनको प्रोस्टिट्यूशन है, वीडियो प्रोस्टिट्यूशन है। और आज के डेट में देखेंगे तो जो लॉ है इंडिया में, पुराने जो लॉज चल रहे थे, आपका ट्रैफिक एंटी ट्रैफिकिंग एक्ट है, वो भी अब अमेंडमेंट चाहिए उसमें। क्यों? क्योंकि जो प्रोस्टिट्यूशन है एक फिजिकल वर्ल्ड में ब्रॉथल्स नहीं है, अब तो वर्चुअल वर्ल्ड में भी ब्रॉथल्स है। मैम हमारे सवाल के लिए है ना, अमेंडमेंट तो होते ही रहते हैं, लेकिन बात तो इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जहां तक आप कहते हैं चुनौतियां क्या आती हैं, क्यों नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम है, बट उसमें भी हमें ट्रेनिंग्स देने हैं। इम्प्लीमेंटेशन की आपको मैं तीन चार चीजें बता सकती हूँ। दिल्ली पुलिस पिछले 10 साल से 66,000 पुलिसकर्मी मांग रही है केंद्र सरकार से, आज तक एक नहीं मिला। आधी से ज्यादा दिल्ली पुलिस वीआईपी ड्यूटी में लगी रहती है, तो क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा? पुलिस है ही नहीं जनता के लिए। दूसरी बात, एक सेकंड मैडम, जस्ट पुलिस फोर्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैंने एक अच्छी बात है, लाखों पुलिस ऑफिसर्स ट्रेन किए हैं, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। लेट मी जस्ट कंप्लीट द अदर थिंग इज, 10 साल से दिल्ली पुलिस एक सॉफ्टवेयर बना रही है अपने डिजिटाइजेशन के लिए, कि जिससे कि उनकी जवाबदेही बढ़े। 10 साल से सॉफ्टवेयर बन रहा है, आज तक सॉफ्टवेयर नहीं बना। फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी दिल्ली में सिर्फ एक है, जिसमें से 150 सैंपल्स एक्सपायर हो जाते हैं। कोर्ट सिर्फ 6 है, स्पेशल टास्क फोर्स, जिसमें लड़की का एक बार तो कुछ लोग रेप करते हैं, उसके बाद पूरा सिस्टम रेप करता है। बार बार निर्भया से ही पूछा जाता है कि तुम कहाँ पे थी, क्यों तुमने ऑटो में नहीं गई, क्यों तुम बस में गई, वो कपड़े क्यों पहने हुए थे ऐसे, कौन था वो लड़का। तो ये इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, इसे ठीक किया जा सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर ट्रायल कंक्लूड कीजिए और सजाए मौत दीजिए। जब सामने देखा इंसान तो एक कानून का डर भय होता है। लेकिन हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, हमने ये कहा था कि आपके भी सवाल हम शामिल करेंगे, तो मेरी सहयोगी रेखा हमारे साथ मौजूद है और हम अपने दर्शकों के भी सवाल लेना चाहेंगे। जी रेखा, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, मेहमान का नाम बोलें और सवाल पूछें। बिल्कुल मीनाक्षी, लगातार हम स्वच्छ सोच पर संवाद कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की राय भी जानना यहाँ पर जरूरी है कि इनका क्या सोचना है, व्यूज क्या है स्वच्छ सोच को लेकर। यहाँ पर हमारे साथ आपका नाम दिवेश, दिवेश आपके क्या व्यूज हैं और कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें हमारे पैनल से? मेरा सबसे पहले सवाल यही है कि अगर हिंदुस्तान में रेप और ये सब हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि नशा, जो ड्रग एडिक्ट जितने भी हैं उन सबको बंद करना चाहिए, हिंदुस्तान में नशे को रोकना चाहिए। एक सजेशन है मेरा कि जब हम स्कूल्स की बात करते हैं, जब सोच स्वच्छ सोच की बात करते हैं, तो जब हम कंप्यूटर एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं हर स्कूल में कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, उसके साथ साथ उनको नेटिकेट की एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। उनको किन किन चीजों से बचना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं नेट पे और कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस आप बैन नहीं कर सकते, पेरेंट्स जितना मर्जी फिल्टर लगा लें, जितना मर्जी कोशिश करें कि ये चीजें एक्सेस ना हो, वो होंगी, कुछ हद तक आप उसे रोक सकते हैं। बट जो आज के डेट में जो काउंसलर्स हैं स्कूल्स में अपॉइंट हो रहे हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग्स में ये समझाया जा रहा है, पेरेंट्स को भी शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि कितने पेरेंट्स इंटरनेट को समझते हैं या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सोल्यूशन ये है कि जागरूकता पेरेंट्स में, टीचर्स में, एक ओवरऑल जो आपकी एकेडमिक फ्रेटर्निटी है, जो टीचर्स हैं और बच्चे हैं, उन सब में देनी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मैं कहती हूँ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि जो न्याय है, जुडिशरी है, वो अकेले सिर्फ काम नहीं कर सकती। ट्रेनिंग्स लॉ एनफोर्समेंट को देनी है, ताकि हमारा कानून इसे बहुत तेजी से इसे एनफोर्स कर सके, स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बने पॉक्सो के अंडर, और पॉलिसी गवर्नमेंट में चेंजेस चाहिए, क्योंकि जो वो स्कीम्स दे रहे हैं उसके अलावा, अब क्योंकि इंटरनेट से जुड़ी हुई स्कीम्स नहीं थी अभी तक, लेकिन अब वो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, वो बढ़ना चाहिए। कानून के सुझाव बहुत जरूरी। थैंक यू सो मच।